नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन की 86 में। चलिए देखते हैं दूसरी पाली में कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम के लिए। जो ग्रुप डी के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हर वो शिफ्ट का एग्जाम का पेपर जरूर देखें, जीएसजी के खासकर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस वहां पर रिपीटेड हो रहे हैं। जी हाँ, अभी 19 सितंबर द्वितीय पाली में पहले पाली का कुछ क्वेश्चन रिपीट किया गया है, वो मैं आपको दिखलाऊंगा। क्वेश्चन जो आए हुए हैं ज़्यादा नहीं है, एक या दो ही क्वेश्चन है पर रिपीट हुए हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वो क्वेश्चंस को जरूर देख लें जो पहली पाली में हुआ है, या फिर अभी तक 17 सितंबर से लेकर अभी तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सब सारे क्वेश्चन जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल पर जाएं और यहां पर सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, इसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस पीडीएफ पे जहां पर लेकर आए हैं आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के सेकंड पाली में आए हुए हैं। जीएस और जीके से कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं वो आप तक पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या के आधार पर कौन सा आवर्त सारणी है। परमाणु संख्या के आधार पर कौन सी आवर्त सारणी है, ऐसा ये क्वेश्चन बोला गया है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में आ चुका था और ये सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन में आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से आपके क्वेश्चन बने हैं। तो ये रसायन साइंस है तो जरूर देख लीजिएगा, रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत। ठीक है, नेक्स्ट है मिलेनियम फैमिली किसे कहते हैं। तो नाइन्थ ग्रुप को, जो पीरियोडिक टेबल होता है हमारा, नौवां ग्रुप जो होता है उसे हम लोग मिलेनियम फैमिली कहते हैं, ये क्वेश्चन था। आरबीसी का मेडिकल नाम, तो आरबीसी, ये क्वेश्चन था कि आरबीसी का मेडिकल नाम क्या है। तो एरिथ्रोसाइट, जी हाँ एरिथ्रोसाइट है इसका नाम, नोट कीजिएगा और क्वेश्चन को नोट कीजिए आप सभी को। और मैं टेलीग्राम पे, जी हाँ एजुकेशन की 86 पर टेलीग्राम पे जाकर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ इन सब के पीडीएफ में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसके पीडीएफ को भी। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज रॉबर्ट डार्विन को कहते हैं। इनका नाम देखो, मैंने आपको जब साइंस की जीवन लाइफ साइंस की क्लासेस कराई थी उसमें एक पूरा चैप्टर आपको एक पूरा वीडियो बना के दिया था। कुछ पौधे थे उसके नाम थे और उसके साइंटिस्ट के नाम थे, ठीक है, या फिर साइंटिस्ट के नाम थे, उन्होंने क्या खोज की थी, ऐसा वीडियो मैंने बना के लाइफ साइंस की क्लास में भी दिए हुए हैं सक्सेस की 98 के, उस पे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, मेनका गांधी, देखिए ये क्यूज आ गया है क्वेश्चन जीके से कि मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नाम से पोर्टल को आरंभ किया है। तो आंसर है बच्चे, इट्स नारी पोर्टल, ये ऑप्शन था वहाँ पे, यही है इसका करेक्ट आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे नारी पोर्टल को क्लिक किया होगा उसका आंसर सही है। और ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज रॉबर्ट डार्विन को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन सही है उनका। और मिलेनियम फैमिली कहते हैं नाइन्थ ऑफ ग्रुप को। तो ये क्वेश्चन यानी कि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा आपके नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट शिफ्ट का भी पेपर हम आपको बहुत ही जल्द लेकर आएंगे, ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए अब कुछ क्वेश्चन थे, स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो पहला फर्स्ट जो पीरियड होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड होता है जिसमें कि गैसेस को रखा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था गायटर रोग किस ग्रंथि से होता है। गायटर रोग थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड होता है जनरली ये फीमेल्स में होती है और इसमें जो गले में हो सकती है ये प्रॉब्लम, सबसे पहले जो सूजन आता है उसमें, ठीक है, इसके लक्षण है कुछ, ठीक है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ है, तो कौन है, तो वो इंडिया है, जी हाँ भारत है, बिल्कुल सही। वहाँ पे चाइना ऑप्शन था, अमेरिका ऑप्शन था, जो कि सारे के सारे जितने भी ऑप्शन थे उन सब में जो भारत है सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जी हाँ, और उत्पाद करता है। निर्यात कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो चाइना करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। NaCl का किस रासायनिक सूत्र है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो बचपन से ही आप लोग सभी पढ़ते आ रहे होंगे, आई थिंक आप सभी को आंसर पता होगा। तो ये है नमक का, जी हाँ नमक का है आंसर इसका, जिनने भी इसको टिक किया है नमक पे उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम, देखो मैंने कुछ और जो एनिमल्स थे उनके भी वैज्ञानिक नाम भी एक वीडियो बनाया है
लाइफ साइंस की क्लास में, और आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं सक्सेस की 98 के प्लेलिस्ट में। जी हाँ, वहाँ पे जनरल साइंस की क्लासेस जो हुई हैं लाइफ साइंस में, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो भी हैं, वो सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। कोई भी एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आया हो तो बात होगी कुछ, पर यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है लाइफ साइंस की, जितने भी कवर कराए गए हैं आपको, सिलेबस कवर कराया गया है लाइफ साइंस का, फिजिक्स साइंस का और केमिस्ट्री साइंस का, उन सबसे क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है कि पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो पैंथर्स पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी इसको कहते हैं, तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है साइकिल। जी हाँ, इसके अभी अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जो कि यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 100% सोलर पावर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पहला जिला, जी हाँ, गुजरात का ये सूरत जिला जो है, सूरत सिटी भी है और एक अपने आप में जिला भी है, 100% वहाँ पे सोलर पावर की व्यवस्था कराई गई है स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। जी हाँ, पहला जिला ऐसा है पूरे इंडिया भर में, उसका नाम है सूरत, जो कि है गुजरात में। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अब कुछ और क्वेश्चन है, वो सभी आपके लिए लेकर आए हो, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अभी इससे पहला वाला जो मैंने वीडियो दिया है वो उसका क्या कहते हैं YouTube पे नोटिफिकेशन नहीं जा पाया है, बहुत लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाया है, तो उस वीडियो को भी आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपसे दोस्त यार हैं उन सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 मार्च को विश्व स्तर पर किस दिवस को मनाया जाता है। तो ये अभी करेंट का ही न्यूज़ है और इसके बारे में करेंट अफेयर में भी पढ़ाया गया है, तो वो है विश्व रंगमंच दिवस। जी हाँ, 27 मार्च को मनाया गया है विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और O2 देखो ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट, मैंने अभी क्या बोला आपको कि पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था कि O2 का मास क्या है, तो ये है 32, ठीक है, 16 × 2। ठीक है, चलिए, और खट्टे दूध में अम्ल को क्या कहते हैं, तो लैक्टिक अम्ल कहते हैं। दूध में खट्टा होना यानी कि दही बनना लैक्टिक अम्ल एसिड के चलते होता है। ओके, इससे एक क्वेश्चन था। जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, अभी पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन था ही और यहाँ भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। संविधान के किस भाग की में राजभाषा हिंदी है, तो ये है आंसर बच्चे 17वें। ठीक है, और इससे रिलेटेड जीके भी और भी हैं जो कि बन सकते हैं संविधान से रिलेटेड, क्वेश्चन की मुख्यता को पकड़िए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो जरूर से जरूर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी नोट करते जाइए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उस टॉपिक को उठाकर पढ़िए। ठीक है, चलिए, और ये है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये भी रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आ चुका है कि आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, फल तत्व हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में फल तत्व हैं वो कितना है, तो ये है 60, एक्चुअली कुल है ये, नॉट फल सॉरी, ये कुल तत्व हैं वो कितने हैं, तो टोटल है 63। ठीक है दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल तत्व हैं 63, नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। और नींद ना आने वाली, ये तीसरा क्वेश्चन बना है जो कि रिपीटेड हुआ है सेकंड शिफ्ट में भी, नींद का ना आने वाली बीमारी को इंसोमनिया कहते हैं, ये हमने आपको अभी पहले शिफ्ट में भी इसका आंसर बताया था। तो दोस्तों इसको भी शेयर कर दीजिएगा और पहले शिफ्ट वाले क्वेश्चंस को भी जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो आज जितने भी अभी शिफ्ट होने वाले हैं, तीसरा शिफ्ट का भी क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो एज वेल एज सून मैं आपको ये सारे क्वेश्चन लाकर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर से, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय बाय, टेक केयर।